क्या बात है रोहन? बस ऐसे ही मिलने आया हूँ तुमसे। किस काम की? कोई काम नहीं था रो, बस ऐसे ही। तुम यहाँ किस हैसियत से आए हो? मेरे पापा के करीबी दोस्त के बेटे की हैसियत से या मेरे दोस्तों की हैसियत से? दोनों दोनों ही हैसियत से आए हो देवयानी। मुझ पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता रोहन, क्योंकि अगर तुम मेरे पापा के करीबी दोस्त के बेटे होने की हैसियत से आए हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मुझे ये बताना कि पापा कहाँ किस हाल में पड़े हुए हैं। और अगर मेरे दोस्त होने की हैसियत से आए हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम दिन रात मेरे घर में रहे और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हारे ही पापा ने मुझे मना किया था देवयानी, मेरी माँ को कसम दिलाई थी उन्होंने और मेरी माँ ने मुझको कसम दिलाई थी, मैं क्या करता? क्या ऐसी कसम का क्या मतलब है रोहन? वहां मेरे पापा को गोली लगी हुई है, वो कितने महीनों तक कोमा में पड़े रहे, क्या फायदा ऐसी कसम का? बेचारे वो वहां ऐसी हालत में होंगे कि अगर वो हमसे मिलना भी चाहते तो कैसे कह पाते। तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये बात अच्छी तरह मालूम थी तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि तुम हमें बताओ? तुम मेरे और बेटा के साथ दिन रात मेरे घर पर रहे, तुमने ये बात मुझसे कैसे छुपाई रोहन? कई बार ही लगा था देवयानी, लेकिन मैं क्या करता, मेरी माँ ने मुझे कसम खिलवाई थी। कसमों की बात मुझसे मत करो रोहन, कुछ नहीं रखा इन संबंधों इन प्यार के नातों में, सब धरे के धरे रह जाते हैं। वहां मेरे पापा मरे, उनकी आत्मा शायद इस बात का इंतजार कर रही होगी कि कोई आकर उनके शरीर को आग दे दे। उनके सगे बेटे बाबा ने उनको आग देने से इनकार कर दिया उसी तारा की वजह से, उसी तारा के लिए जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपनी बेटी को खो दिया। उसी तारा ने मेरे पापा की जान ले ली, और उसने ऐसा क्यों किया ये मैं अच्छी तरह जानती हूं, ताकि वो पापा के मरने के बाद अपने आशिकों के साथ खुलेआम अय्याशी कर सके। ऐसी औरत के लिए मोहब्बत और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती रोहन, मेरे पापा तो उस पर किसी भी वक्त अपनी जान छिड़क सकते थे, उन्हीं का खून कर डाला तारा ने। तारा के लिए माँ बाप भाई बहन मोहब्बत करने वालों और दोस्तों की कोई अहमियत नहीं है। दिव्यानी, तारा ने दीपक अंकल को नहीं मारा। तुम भी तारा के पास चले जाओ रोहन, वो तो जा ही चुका है, सब के सब चले जाओ, न जाने क्या जादू कर देती है वो सब पर। दिव्यानी, तुम खामखा शक कर रही हो तारा पे, जबकि जबकि असली कातिल तो फरार है। सब बकवास कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तारा का क्या मकसद है पापा का खून करने में, और तारा को उसके किए की सजा मैं दिलवा के रहूंगी, चाहे सबके सब मेरे दुश्मन हो जाए, चाहे मैं सबके लिए बुरी हो जाऊं। और अगर तारा ने ऐसा नहीं किया है तो असली कातिल एक ना एक दिन सामने आ जाएगा, और अगर कातिल नहीं आया तो मैं ये साबित कर दूंगी कि पापा का खून तारा ने ही किया है।